सभी श्रोताओं को प्रेम से साई राम भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस भजन की बात करने जा रहे हैं वह इतना सुंदर भजन है कि यदि हम पहले बोल का उच्चारण कर लेते हैं तो फिर आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह अपने आप में इतना संपूर्ण और सशक्त है कि वह एक नाम अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृषभानु जी और कीर्ति दा की लाडली जी, बरसाने की किशोरी जी, भगवती श्री राधा रानी जी की। तो चलिए सबसे पहले इस भजन के बोल जान लेते हैं। राधा 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 कृष्ण राधा, 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 राधा 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 कृष्ण राधा। आज की कक्षा के लिए इस भजन में ए पंचम श्रुति का प्रयोग किया गया है। यह भजन अधिकांशतः राग शंकराभरणम अथवा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की राग बिलावल पर आधारित है। राधा 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 कृष्ण राधा, गगरी सा गगरी सा सारी सरी गरी सा सा, गगरी सा गगरी सा सारी सरी गरी सा सा, राधा कृष्ण राधा सरी सनी ससरी, सरी सनी ससरी, राधा 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 कृष्ण राधा, मामा पापा गरी सा सारी सरी गरी सा सा, मामा पापा गरी सा सारी सरी गरी सा सा। इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष की ओर। श्री राधा रानी जी स्वरूपतः भगवान श्री कृष्ण के विशुद्धतम प्रेम की ही अद्वितीय घनीभूत नित्य स्थिति हैं। अभेद रूप में तत्वतः श्री राधा और श्री कृष्ण अनादि अनंत नित्य एक ही हैं। पूरी ब्रज भूमि राधा जी के नाम से गुंजायमान रहती है। वृषभानुपुर जो आज बरसाना कहलाता है वहां आप बाल रूप में विराजती हैं और लाडली जी और किशोरी जी कहलाती हैं और यहाँ राधा रानी जी प्रेम बरसाती हैं। भगवान कृष्ण में राधा माँ का अतिशय निश्चल प्रेम और भक्ति थी। राधा माँ और गोपियों की भक्ति इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी राधा तत्व को समझने के लिए भगवान के प्रेम को अनुभव करने के लिए गोपेश्वर महादेव का स्वरूप धारण किया और राधा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की। आज भी वृंदावन में वंशीवट के निकट गोपेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ उनका श्रृंगार स्त्रियों की तरह होता है और उन्हें साड़ी पहनाई जाती है। 4 सितंबर सन 1996 के
कृष्ण जयंती के अवसर पर दिव्योद्बोधन देते हुए स्वामी बताते हैं कि एक बार रुक्मणी जी ने राधा जी को अपने घर बुलाया। निमंत्रण पाकर राधा जी तुरंत उनके घर आई। स्वामी आगे कहते हैं कि उन दिनों इडली, डोसा, केक आदि आज की तरह मशहूर नहीं थे। लोग मेहमानों को दूध या दही देते थे। खुशी के अतिरेक में रुक्मणी जी ने उन्हें एक गिलास में गरम उबलता हुआ दूध दिया। राधा जी हर चीज ग्रहण करने से पहले कृष्ण को अर्पित करती थी। उन्होंने कहा, मैं इसे कृष्ण को अर्पित करती हूँ और उबलते हुए गर्म दूध को वे पी जाती हैं। शाम को जब कृष्ण रुक्मणी के पास आते हैं तो रुक्मणी जी उनकी चरण वंदना करती हैं और वह उनके पैरों पर छाले देखकर चौंक जाती हैं। वे पूछती हैं, हे भगवान, क्या हुआ है? आपके पैरों में छाले किसके कारण आए हैं? कृष्ण जी उत्तर देते हैं, यह आप ही का अपना काम है। सुबह जब राधा जी आपके पास आई तो आपने बिना यह जांचे कि यह पीने लायक है या नहीं, उन्हें गर्म उबलता हुआ दूध पिलाया। पीने से पहले उन्होंने वह दूध मुझे अर्पण किया और राधा जी के हृदय में सदैव श्री चरणों का वास है, इसी कारण मेरे पैरों में ये छाले पड़ गए हैं। स्वामी आगे कहते हैं कि हमें केवल इन्हें कहानियां नहीं समझना चाहिए, अपितु ये दिव्य लीलाएं हैं जो लोगों के कष्टों और व्यथाओं को दूर करने के लिए हैं। भगवान को वृंदावन इतना प्रिय है कि बेंगलोर व्हाइटफील्ड में स्थित भगवान के शिक्षण संस्थान का नाम भी वृंदावन कैंपस है। 31 अगस्त सन 1983 के जन्माष्टमी के अवसर पर दिव्योद्बोधन देते हुए स्वामी कहते हैं कि भागवत दर्शाती है कि कैसे भगवान भक्तों की ईश्वर के प्रति तड़प का जवाब देते हैं और भगवान से अलग होने के कारण होने वाली उनकी पीड़ा को शांत करते हैं। जब कृष्ण मथुरा के लिए रवाना होते हैं तो गोपियां और ग्वाले दुख के सागर में डूब जाते हैं और अलगाव को सहन करने में असमर्थ थे। जब उद्धव जी देखते हैं कि गोपियां कृष्ण वियोग से पीड़ित हैं तो वे उन्हें तत्व ज्ञान और योग ज्ञान देने के विषय में सोचते हैं। जैसे ही उद्धव जी रथ से उतरते हैं वे गोपियों को एक लंबा उपदेश देना शुरू कर देते हैं। ओ गोपिकाओं, तुम शास्त्रों से अनभिज्ञ हो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। मूर्ख गूंगे व्यक्तियों की तरह तुम कृष्ण के लिए तरस रही हो। यदि तुम शास्त्रों को जानती हो तो तुम्हें एहसास होगा कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। अपने भीतर वास करने वाले कृष्ण का आनंद लेने के बजाय आप कृष्ण के भौतिक रूप की लालसा कर रही हैं। यह आपकी अज्ञानता के कारण है। मैं आपको योग का विज्ञान सिखाऊंगा जिसके लिए कृष्ण ने मुझे भेजा है। स्वामी आगे कहते हैं कि गोपिकाएं किसी अजनबी से सीधे मुंह बात करना उचित नहीं समझती थी। उन्होंने उद्धव को अपना उत्तर देने के लिए मधुमक्खी को संबोधित करने की युक्ति अपनाई। गोपियां कहती हैं, हे मधुमक्खी, ये शब्द उस आंख में घी डाल रहे हैं जो कृष्ण से अलग होने के कारण हमारे अंदर जल रही है। बहुत हो गए ऐसे शब्द, अब बस। उद्धव जी आगे कहते हैं, अच्छा, यहां आपके लिए कृष्ण का संदेश है, कम से कम उसे तो पढ़ लीजिए। एक गोपी तुरंत कहती है, हे मधुमक्खी, हम अनपढ़ गांव के लोग हैं, हम दुख से त्रस्त हैं, हमें कृष्ण के दर्शन कराओ। एक अन्य गोपी ने विलाप किया, हम कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न पीड़ा की आग से जल रहे हैं। यदि हम उनके पत्र को छूते हैं तो यह जलकर राख हो सकता है, हम इसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर एक अन्य गोपी कहती है, हमारी आंखों के आंसू कृष्ण के पत्र में मोती जैसे अक्षरों को धो देंगे, हम यह सहन नहीं कर सकते। तब उद्धव जी कहते हैं, कम से कम मेरा संदेश तो सुनो, मैं तुम्हें योग का विज्ञान सिखाऊंगा। एक गोपिका ने अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हुए मधुमक्खी की ओर देखते हुए कहा, हे मधुमक्खी, हमारे पास केवल एक ही मन है और वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। यदि हमारे पास चार मन होते तो हम एक को योग की ओर, दूसरे को किसी अन्य विषय की ओर मोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास जो एकमात्र मन था उसे हमने कृष्ण को समर्पित कर दिया है। हमारे पास किसी भी योग शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है।
जब उद्धव जी को कृष्ण के प्रति उनकी एकनिष्ठ भक्ति का एहसास होता है तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। सभी वेदों और शास्त्रों का सार एकनिष्ठ भक्ति है। इस एकनिष्ठता का परिणाम ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति होती है। उद्धव जी ने अपने मन में विचार किया कि उन्होंने इस एकनिष्ठ भक्ति का विकास नहीं किया है, जिसका प्रदर्शन गोपियों ने किया था, और वे समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने यही दर्शाने के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। ब्रज भूमि को भगवान ने क्या दिया है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान ने गीता दी, द्वारका में वे राजा धीराज हैं, लेकिन ब्रज भूमि को भगवान ने अपने चरण दिए हैं। यहाँ भगवान ने अपने बाल सखाओं के साथ नंगे पांव लीलाएं की हैं, इसीलिए ब्रज की रज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोग उसे अपने माथे से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे स्वामी ने इस पुटपर्ती धाम में जन्म लेकर ना केवल इस भूमि को कृतार्थ किया, बल्कि यहाँ की रेत पर वे चले और कण कण को पवित्र और पावन किया, अनेक दिव्योद्बोधन दिए, अनेक साक्षात्कार दिए, अनेक लीलाएं की और भक्तों का उद्धार किया और अभी भी कर रहे हैं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। राधा 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 कृष्ण राधा, के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की हमारी कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम।